नमस्कार, थ्री नेत्र चूरू अपडेट लेकर हाजिर हूं मैं विनीता शर्मा। और आइए अब नजर डालते हैं आज के अपडेट्स पर। चूरू नगर परिषद द्वारा इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ आज परिवहन एवं सड़क सुरक्षा मंत्री तथा जिला प्रभारी मंत्री ब्रिजेंद्र ओला ने कलेक्ट्रेट के आगे 10 महिलाओं को जॉब कार्ड देकर किया। प्रभारी मंत्री ओला ने सरकार की इस योजना की जानकारी देते हुए बताया कि योजना के अंतर्गत 18 से 60 वर्ष की उम्र के शहरी श्रमिकों को इस योजना का लाभ मिलेगा। जन आधार कार्ड के माध्यम से इसका पंजीकरण करवाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि राज्य के शहरी क्षेत्रों के परिवारों, विशेष तौर पर आर्थिक रूप से कमजोर, असहाय एवं बेरोजगार परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए मनरेगा की तर्ज पर बजट घोषणा के अनुसार शहरों में भी अब रोजगार सुनिश्चित करने के लिए इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना लागू की गई है। इस योजना से शहरी क्षेत्र में निवास करने वाले परिवारों को भी जीवन यापन करने में मदद मिलेगी। इस अवसर पर पूर्व विधायक हाजी मकबूल मंडेलिया, जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग, सभापति पायल सैनी आदि उपस्थित रहे। कई बार जो भारत सरकार वाले कहते थे कि राजस्थान वाले कटोरा मांग के कटोरा लेके मांगने आ जाते, वो रोजगार गारंटी योजना आने के बाद एक तरह से अकाल के जो कार्य चलते थे या जो जिसके लिए राज्य सरकार पर भार पड़ता था उससे बिल्कुल मुक्त हो गई राज्य सरकार। शहरों के गांव के लिए तो वो योजना थी, पर क्योंकि जैसा मंडेलिया जी ने कहा, शहरों में भी गरीब लोग रहते हैं, शहरों में भी रोजगार की जरूरत होती है, तो हमारी सरकार ने उसकी आवश्यकता महसूस किया। मुख्यमंत्री जी इसको मंत्रिमंडल में लाए और इस बजट में 22-23 के बजट में 800 करोड़ रुपये का इसके लिए प्रोविजन किया है। सारे राजस्थान में जो शहरी निकाय है, वहीं कलेक्टर सभागार में प्रभारी मंत्री ने प्रेस वार्ता में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना का क्रियान्वयन पूर्ण पारदर्शिता के साथ सुनिश्चित किया जाएगा। इसकी सभी प्रक्रियाएं ऑनलाइन है तथा मजदूरी भी संबंधित के खाते में ही जमा होगी। इसके बावजूद किसी प्रकार की शिकायत पाई गई तो पूरी गंभीरता के साथ उस पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सभी नगर निकायों को योजना के क्रियान्वयन के लिए समुचित बजट आवंटन किया गया है। यह पैसा खर्च होने पर और बजट दे दिया जाएगा। प्रेस वार्ता में जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग, सभापति पायल सैनी, एडीएम लोकेश गौतम, पीआरओ कुमार अजय आदि मौजूद रहे। आज सारे राजस्थान में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना का शुभारंभ हुआ है। राजधानी में मुख्यमंत्री जी ने इसका शुभारंभ किया है, जिले में प्रभारी मंत्रियों द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है और उसी के संबंध में आप लोगों को तकलीफ दी गई। ये योजना गाँव के लिए तो मनरेगा थी, पर शहरों में भी गरीब लोग रहते हैं जिनको रोजगार की आवश्यकता होती है, तो इसलिए मनरेगा तो भारत सरकार द्वारा फंडेड योजना है और ये पूर्णतः राज्य सरकार की योजना है जिसके लिए 800 करोड़ रुपए की बजट में व्यवस्था की गई है। अगर ये राशि खर्च हो जाएगी तो आज ही ये भी अनाउंस किया गया है कि और राशि इसके लिए देंगे। इस नगर परिषदों में 6 करोड़ रुपये का प्रोविजन किया गया है, छोटे नगर और जो बाकी की नगर पालिका है उनमें 2-2 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। ये योजना टारगेट बेस्ड नहीं मानेंगे, नीड बेस्ड योजना है और ये भी जरूरी नहीं है उन व्यक्तियों के लिए कि वो लगातार इसमें काम करें, 10 दिन में पहले कर लें, फिर 10 दिन में जब मर्जी आए वो कर लें। जो 10 आदमियों का फर्स्ट रोल पूरा हो जाएगा उनको काम मिल जाएगा। सारा कार्य ऑनलाइन होगा, जॉब कार्ड भी ऑनलाइन बनेंगे, आवेदन फार्म भी ऑनलाइन जाएगा, आप उनका पेमेंट भी ऑनलाइन होगा और इसमें जो अकुशल श्रमिक हैं जैसा श्रम विभाग ने तय कर रखा है उनको 262 रुपये का है, जो अर्ध कुशल श्रमिक हैं उनको 271 का है और जो पूर्णतः कुशल श्रमिक हैं उनको 283 रुपये का है। तो ये टास्क बेस्ड ये योजना है, तो टास्क के अनुसार इसका भुगतान जो मनरेगा में जो दिक्कतें आई थी उनको, क्योंकि वो उसका काफ़ी समय से उसका एक्सपीरियंस हो गया, कोशिश ये करी गई है कि वो दिक्कतें इसमें नहीं आए, फिर भी अगर कहीं आएगी तो जो हमारे नोडल अधिकारी हैं, हमारा जिला प्रशासन है, हमारे और जो अधिकारी हैं, हम उनको निर्देशित करेंगे कि इसमें भ्रष्टाचार नहीं। सर, जो लंबे पशुओं की संख्या घट रही है, पर जैसा कि कोई उनका इश्यू है जैसे डिस्पोज बॉडी डिस्पोजल का पशु थी, तो उस बारे में हमने
उसको पशुपालन विभाग से संबंधित अधिकारियों को जिला प्रशासन से भी इस बारे में बात की है और पब्लिक का भी इसमें हम सहयोग लेनी है कि जिसका पशु है उसको भी प्रेरित करें, जैसे पहले लोग करते थे, उसका डिस्पोजल करते थे, उसको दबाते थे। निश्चित रूप से सरकार के पशुपालन विभाग के संबंधित जो अधिकारी हैं उससे इस बारे में। सर, सरकार के जो आंकड़े आंकड़े तो सरकार नहीं माननी पड़ेंगे। वहीं आज रतनगढ़ के लिंक रोड स्थित भरतिया सामुदायिक भवन में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ किया गया। योजना के तहत क्षेत्र के दो जोहड़ों का सौंदर्यकरण कार्य होगा। लिंक रोड स्थित जोहड़ के सौंदर्यकरण कार्य का शुभारंभ पालिका अध्यक्ष अर्चना सारस्वत ने किया। इस दौरान नगर पालिका में पंजीकृत हुए 615 श्रमिकों में से 50 श्रमिकों को जॉब कार्ड वितरित किए गए व 25 महिला श्रमिकों को कार्य का आवंटित किया गया। इस अवसर पर चेयरमैन ईओ भगवान सिंह, पालिका उपाध्यक्ष शाहरुख खान व पार्षद मुख्तियार खान ने संबोधित करते हुए योजना के विस्तार से जानकारी दी। किस योजना का शुभारंभ किया और इसमें कैसे लोग लाभान्वित हो गए, क्या योजना है सर? इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का आज 9 सितंबर को जिसे पूरे राजस्थान में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जो जयपुर में शुभारंभ किया गया था, उसी घड़ी के अंतर्गत नगर पालिका रतनगढ़ में माननीय अध्यक्ष महोदय, वाइस चेयरमैन और वो सभी ये पार्षदगणों द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। तो इस योजना के अंदर शहरी नागरिकों को ये प्रति परिवार 100 दिन का रोज़गार ये मिलेगा एक साल के अंदर, और जो भी उनकी मजदूरी 259 रुपये ये होगी। और इसमें मेन रूप से जो सौंदर्यकरण के काम है, जो सैनिटेशन के काम है, वो इसमें वो कार्य होंगे। जैसे कि यहाँ पे लगभग 615 लोगों ने ये पंजीकृत किया है और चूंकि आज वो शुरुआत है तो आज ये 25 लोग यहाँ पे आए हैं, तो अभी इनको वो शुरुआत है, तो नेक्स्ट पखवाड़े में इनके ज़्यादा से ज़्यादा वो जो वर्क डिमांड है वो करके इस योजना को पूर्ण रूप से ये सफल ये बनाया जाएगा। ठीक है। चूरू कलेक्ट्रेट में आज जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि राजस्थान में पिछले 3 महीने से लंपी वायरस ने गौ माताओं पर कहर बरपा रखा है। इस जानलेवा वायरस से अब तक 1,00,000 से ज्यादा गौ माताएं की दुखद मृत्यु हो चुकी है, साथ ही 10,00,000 से ज्यादा संक्रमित है। सरकार द्वारा अब तक किए गए प्रयासों में न गंभीरता है और न ही संवेदनशीलता, इसलिए पूरे प्रदेश में सर्वे करवा कर सरकार को तुरंत प्रति पशु मुआवजा जारी करना चाहिए। वहीं पशुपालन विभाग में चिकित्सा कर्मियों व अन्य पदों पर आपात भर्ती की जानी चाहिए। ज्ञापन में मांग की गई है कि जिन पशुपालकों ने विभिन्न बीमा कंपनियों से अपने गोधन का बीमा करवाया है, उन गोपालकों का एक अल्पकालिक सर्वेक्षण करवाकर उसी क्षतिपूर्ति की व्यवस्था बीमा कंपनी से करवाएं या सरकार स्वयं करे। गोपालकों को नया पशुधन खरीदने के लिए ब्याज रहित ऋण दिया जाए। इस मौके पर रतनगढ़ विधायक विनेश महर्षि, पूर्व जिला प्रमुख हरलाल सहार, जिला प्रमुख वंदना आर्य आदि उपस्थित थे। अंदर लंपी से सर्वाधिक गोवंश काल कल्पित हो रहा है। हम दूसरी बार ज्ञापन दे रहे हैं, सरकार संज्ञा शून्य है। 74 ऐसे पशु चिकित्सालय उपकेंद्र है जो बंद पड़े हैं। इस लंपी के फैलने के बाद एक भी चिकित्सक और पशुधन सहायक की नियुक्ति नहीं हुई, दवाइयां नहीं है और मर्द पशुओं को दफनाने के लिए वैज्ञानिक तरीका नहीं है। आज इस बात को लेकर हमने जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया है, पूरे राजस्थान में ज्ञापन दिए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इसके लिए लंबी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। तारा की मजबूरियां हैं, कभी किसी विधायक के पुत्र के जन्मोत्सव पर, कभी किसी की मिजाज कुर्सी में, और 200 मिनी मुख्यमंत्री को खुली लूट की छूट देकर अपनी कुर्सी को बचाने के लिए मुख्यमंत्री जी इस लंपी की बीमारी में समीक्षा करने के बजाय अपने जो विद्रोही संभावना है उनको राजी करने में लगे हैं। ये राजस्थान का दुर्भाग्य है। आप बोले पर कई बार बुढ़ा साहब ने सरकार की कलियां खोल चुके हैं, सरकार को ललकार चुके हैं, शायद उन्हीं को मनाने के लिए मुख्यमंत्री जी का आने का कार्यक्रम बन रहा है। आज किसान समझता हूं कि संवेदनहीनता की प्रकाष्ठा है। जिस प्रकार की समस्याओं से राजस्थान ग्रसित है, मुख्यमंत्री जी को अच्छा रहे, मुख्यमंत्री जी उन इलाके में जाएं जहां गौ वंश दम तोड़ रहा है, अपने मिजाज कुर्सी में लगे हुए मुख्यमंत्री जी। और मैं समझता हूँ इससे कोई इनका विद्रोह टलने वाला नहीं है। आज भी सरकार को सरकार के मंत्री प्रति सप्ताह ललकार रहे हैं, ये राजस्थान में ये मंजर पहली बार हो रहा है। धन्यवाद। चूरू जिला मुख्यालय पर दूषित पानी आ रहा है, तारानगर के अंदर पानी विक्रय होना प्रारंभ हो गया,
लोग खरीद खरीद के टैंकर, और एक टैंकर की कीमत 500 से 1000 रुपया, इसलिए लोग मजबूर है पलायन के लिए। गांव के अंदर जिस तरह स्थिति में उस तरह की स्थिति की और लोग बढ़ रहे हैं। सरकार को बार बार ज्ञापन देने के बाद भी सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही। ये गौ माता की बात तो करती है, राजस्थान की विधानसभा में भी हमने इनको कहा था, जब पहले बजट पेश किया था तब इन्होंने नंदीशाला की बात की थी, ये झूठे बात करते हैं। गौवंश काल कलवित हो रहा है, लेकिन सरकार के पास में किसी भी तरह की न दवाई की व्यवस्था है न अन्य कोई व्यवस्था है। ऐसी स्थिति के अंदर हम सब लोग इस बात का घोर विरोध करते हैं, और आने वाले समय के अंदर सरकार यदि नहीं चेतती है तो आंदोलन भी इसके ऊपर किया जाएगा। ज्ञापन भी दिए है, वहाँ क्वारंटाइन सेंटर है, क्वारंटाइन सेंटर के अंदर भी कोई डॉक्टर और स्टाफ की व्यवस्था नहीं है। रही बात पानी की, पानी के लिए जनता त्राहीमाम है। जब से कांग्रेस सरकार आई है उसके चुने हुए जनप्रतिनिधि हम चौड़े रोड संकड़ी ये बात करते हैं, जो व्यक्ति पानी मांगता है उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजते हैं, और रोज लूट कसोट होती है, चोरियां होती है और मर्डर सरे आम हो जाता है। आपने देखा होगा कि कल रात को ही एक बड़ा मर्डर हुआ है। तो ये कानून व्यवस्था हर स्तर पर मैं समझता हूँ राजस्थान सरकार फेल है, और इस सरकार को उखाड़ने फेंकने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। वर्तमान में गोमाता पर आई महामारी को लेकर राजल देसर के निकटवर्ती गांव चाड़वास के समाज सेवी नारायण प्रसाद शर्मा द्वारा दिन रात गोवंश की सेवा की जा रही है। नारायण प्रसाद ने बताया कि दानदाताओं के सहयोग से गोमाता की सेवा की जा रही है। वर्तमान में गांव में गौशाला नहीं है, इसलिए गोवंश की सेवा सामाजिक कार्यकर्ता के सहयोग से की जा रही है। हमारे वक्त इस साथ में गौ सेवक नारायण जी शर्मा है, उनसे बात करेंगे। आपका सर पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद है, आपके मन में क्या विचार आया कि आप अपना सारा कारोबार छोड़कर आज पूरी तरह से गायों की सेवाओं में जुट गए हैं? देखिए, आप मेरे पीछे देख सकते हैं गौ माता की क्या स्थिति है। लंपी स्किन डिजीज से गौ माता मृत्यु और जीवन के बीच में संघर्ष कर रही है, तो मेरा विचार आया कि अपना जीवन भी सफल हो और गौ माता की भी सेवा की जाए। इसलिए मेरे पास पूरे दिन कॉल आते रहते हैं और मेरी हर संभव प्रयास रहता है कि मैं गौ माता के पास जाऊँ और उसकी सेवा करूँ। और आपने ऐसा भी सुना है कि जैसे भी आपके पास गौ माता के लिए फ़ोन आता है आप तुरंत निकल जाते हैं, क्या कुछ आपके मन में विचार इस समय चल रहा है, गौ माता के प्रति आप क्या सोचते हैं? देखिए, गौ माता की स्थिति बहुत दयनीय है और आप मेरे पीछे देख भी सकते हैं क्या कंडीशन है, ये चाड़वास का भी ये जो दृश्य है। तो मेरी यही कोशिश है कि मैं गौ माता की ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करूँ। इंडोर खेल के लिए वर्षों से उपेक्षित खिलाड़ियों के लिए राज्य सरकार ने अपनी बजट घोषणा में अच्छी सौगात दी है। राज्य सरकार की घोषणा के अनुसार रतनगढ़ शहर के राजकीय नेहरू स्टेडियम परिसर में 7 करोड़ की लागत से इंडोर स्टेडियम का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। पूर्व विधायक हाजी मकबूल मंडेलिया के सानिध्य में आज पालिका अध्यक्ष अर्चना सारस्वत, कांग्रेस नेता इंदिराज खीचड़ ने इंडोर स्टेडियम का शिलान्यास किया। 71 मीटर लंबाई व 50 मीटर चौड़ाई में इंडोर स्टेडियम का निर्माण होगा तथा 40x20 मीटर खेल एरिया होगा, जिसमें समस्त इंडोर खेल खेले जा सकते हैं। खेल का एरिया सिंथेटिक बनाया जाएगा, जिसमें बैडमिंटन, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, कबड्डी, कुश्ती, टेनिस आदि खेल खेले जा सकेंगे। स्टेडियम में खिलाड़ियों के साथ साथ विशेषकर मीडिया के लोगों के लिए अलग से कक्ष निर्माण का प्रावधान रखा गया है। दर्शकों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए दर्शक दीर्घा का निर्माण करवाया जाएगा, जिसमें 500 व्यक्ति बैठ सकेंगे। सबसे पहले तो सभी रतनगढ़ वासियों को बधाई देना चाहूँगी कि जो बहुप्रतीक्षित स्टेडियम का काम है वो उसका आज शिलान्यास हो गया है, और 7.5 करोड़ की लागत से इंडोर स्टेडियम बनने जा रहा है, आज उसका भूमि पूजन हुआ है। और इससे रतनगढ़ के जितने भी खेल प्रेमी हैं, खिलाड़ी हैं, कोच हैं, सभी की इच्छा पूर्ण होने जा रही है। यहाँ की जो खेल प्रतिभाएँ हैं उनको आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। सभी को ध्यान रखते हुए हम लोग माननीय अजीत जी मंडेलिया जी के नेतृत्व में रतनगढ़ में विकास के नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। चूरू के जिला स्टेडियम स्थित साई खेलो इंडिया सेंटर के इंडोर हॉल में जिला टेबल टेनिस संघ के तत्वाधान में आयोजित राजस्थान स्टेट रैंकिंग टेबल टेनिस चैंपियनशिप में यूथ अंडर 15 बालिका वर्ग में जयपुर की आद्या सिन्हा व यूथ बालक वर्ग में कोटा के लक्ष्य तोशनीवाल ने खिताब हासिल किया है। चूरू जिला टेबल टेनिस सचिव ध्रुव पुनिया ने बताया कि समस्त विजेता बालक एवं बालिका खिलाड़ियों को प्रथम स्थान पर 2800, द्वितीय स्थान पर 1400 एवं तृतीय स्थान को 700 रुपये नगद इनामी राशि, मोमेंटो एवं
प्रमाण पत्र मुख्य अतिथि लोहिया कॉलेज भूगोल विभागाध्यक्ष डॉक्टर एम एम शेख एवं करियर कॉलेज निदेशक अमीलाल धेतरवाल द्वारा वितरित कर सम्मानित किया गया। डॉक्टर एम एम शेख ने खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए सभी आयोजकों का आभार व्यक्त किया। इसमें कल शुरू हुई थी और आज दूसरे दिन के मुकाबले जो खेले गए हैं, इसमें अंडर 15 और अंडर 17 वर्ग के मुकाबले खेले गए और इसमें अंडर 15 के जो मुकाबले हैं इनमें फाइनल स्टेज तक मुकाबले खेले गए, 35 मैच किए गए। ये प्रतियोगिता 5 दिन तक चलेगी और 11 तारीख को इसका समापन है और इस प्रतियोगिता का आयोजन जो किया जा रहा है चूरू जिला टेबल टेनिस संघ की तरफ से किया जा रहा है, जिसमें सेक्रेटरी ग्रुप बुनियादी हैं और हमारी कोशिश ये है यहाँ टूर्नामेंट लेने की कि इस टूर्नामेंट के बाद यहाँ के खिलाड़ियों में और जागरूकता बने और खिलाड़ी ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ खेलने के लिए आए और चूरू जिले का नाम रोशन करें और पहले भी चूरू का जो फ्यूचर जो पास रहा है चूरू का टेबल टेनिस में वो बहुत अच्छा रहा है। यहाँ से काफ़ी इंटरनेशनल खिलाड़ी भी निकले हैं, ऑल इंडिया मेडल विनर भी निकले हैं, तो हम चाहते हैं कि इस प्रतियोगिता के बाद खिलाड़ियों में ज़्यादा उत्साह हो, जोश हो और वो खेलना शुरू करें और इसी आशा के साथ हम लोगों ने चैंपियनशिप में आयोजित किया। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के अंतर्गत आज रतनगढ़ के जिला अस्पताल में शिविर का आयोजन हुआ। इस दौरान गर्भकाल के दौरान महिलाओं को मिलने वाले पोषण आहार तथा इस दौरान बरती जाने वाली सावधानियों की जानकारी दी गई। बीसीएमओ डॉक्टर मनीष तिवारी ने बताया कि गर्भावस्था व प्रसव के दौरान जोखिम को कम करने के लिए हर महीने की 9 तारीख को सभी राजकीय चिकित्सा संस्थानों पर प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान आयोजित किया जाता है। अभियान के अंतर्गत बुधवार को ब्लॉक की सैकड़ों गर्भवती महिलाओं की ANC जांच की गई। सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों सहित चिकित्सा संस्थानों पर महिलाओं को गर्भावस्था एवं प्रसव संबंधी समस्त जानकारियां प्रदान की गई। हाँ सर, चिकित्सा संस्थानों पर किस प्रकार का शिविर लगाया जा रहा है, इसमें कौन लाभान्वित हो रहा है? जैसा कि आपको बताया है कि प्रत्येक महीने की 9 तारीख को प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया जाता है जो कि रतनगढ़ क्षेत्र के सभी अस्पतालों, सब सेंटरों, PHC CHO पर मनाया जाता है। इस बार ये विशेष क्योंकि ये सितंबर माह में लॉन्च हुआ था, इसलिए इस बार के PMSO को पोषण अभियान के रूप में लिया जा रहा है। इसमें जितनी भी गर्भवती महिलाएं हैं उनकी ANC जांच, प्रसव पूर्व जांच सुनिश्चित करना, जिसमें कि हीमोग्लोबिन की जांच है, उनकी शुगर की जांच है, BP की जांच है, इसके अलावा उनके जो हाई रिस्क फैक्टर है उनको आइडेंटिफाई करना, जैसे कि BP ज़्यादा होना, पैरों में सूजन होना या पहले से कोई उनकी जो है अच्छी हिस्ट्री नहीं रही है, उनकी जांचें करना शामिल है। इसके अलावा जो स्पेशली जो जिनमें रक्त की कमी है उनके लिए जो जैसा कि राज्य सरकार की मंशा है उनको आयरन सुक्रोज जो कि इंट्रावीनस फॉर्म में दिया जाता है वो भी लगाने के स्पष्ट दिशा निर्देश हैं। तारानगर तहसील के गांव सातियों में एक माह से बारिश नहीं होने के कारण खरीफ की फसल सूख गई है। बारिश के बिना चौपट हो रही फसल को देख किसानों के अरमानों पर पानी फिर गया है। गांव के उदाराम शर्मा ने बताया कि इस बार शुरुआत में बारिश होने से खरीफ की फसल की अच्छी पैदावार की उम्मीद थी, लेकिन एक माह से बारिश नहीं हो रही है, इससे अधिकांश जगह फसल सूख गई है। वहीं ग्वार की फसल में कीट का प्रकोप होने से फसल को काफी नुकसान हुआ है। जल्द बारिश नहीं आई तो अनाज ही नहीं मवेशियों के लिए चारे का संकट भी खड़ा हो जाएगा। खेतों में चौपट हो रही फसल को देख किसान चिंतित है। गाँव साथियों की रोई में चारों सरे चारों नाज, बाजरी, ग्वार, मोठ, मूंग बोए गए थे किसानों के द्वारा, लेकिन भगवान ने वर्षा नहीं की, उसके अभाव में, वर्षा के अभाव में चारों धान हैं उनकी खेती बिल्कुल नष्ट हो चुकी है और अब भी अगर बरसात होती है तो कोई फायदा होने वाली बात नहीं है। किसानों ने लोन लेकर के, कर्जा लेकर के सरकार से और खेती की जुताई की थी, अब सारी जो फसलें नष्ट हो चुकी हैं तो किसान उसकी भरपाई किसी भी हालत में नहीं कर सकेंगे। 2 साल कोरोना के कारण भी किसानों की स्थिति बड़ी सीरियस बनी हुई है, गंभीर बनी हुई है, इसलिए राजस्थान सरकार से किसानों का निवेदन है कि राजस्थान सरकार है वो किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा राशि दिलाएं ताकि किसान है वो कुछ समस्या से उभर सके। धन्यवाद। खेती बाड़ी में क्यों हो गई ने बरसात हुई गोनी ने चारों धान एकदम जमा एकदम खत्म ही हो गया, कोई बरसात पर निर्भर है और कोई मार्ग कोई चारों को नहीं ने, और के बताऊँ अगर बरसात होगी तो चिणांगी भी फसल है ने भाई न होने संभावना है और न रामी रूस गया और सागर
राज्य रूस गयो तो करा के बस खेतीबाड़ी पर मारो निर्भर काम। कृषि वैज्ञानिकों ने आज राजल देसर के निकटवर्ती गांव लाछड़सर बलरामपुर बीना देसर एवं अन्य गांवों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कृषि बागवानी शुष्क खेती एवं उद्यानिकी की वर्तमान स्थिति समस्याओं और संभावनाओं का जायजा लिया व किसानों से संवाद किया। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय लाछड़सर के प्रांगण में कृषि उद्यान शुष्क बागवानी कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर एस आर मीणा ने कहा कि क्षेत्र में जल स्तर गिर गया है, ऐसी स्थिति में शुष्क बागवानी का रास्ता किसानों के लिए हितकर होगा। इस अवसर पर संस्थान के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर बी आर चौधरी, डॉक्टर राम प्रसाद मीणा, सिद्धार्थ सिंह आदि उपस्थित रहे। भादरा के गोगा पीर सेवा ट्रस्ट द्वारा संचालित अपना घर अनाथ आश्रम गोगा मेड़ी से आज मानसिक संतुलन खोई युवती को उसके परिजनों के साथ भेजा गया। 31 जुलाई 2022 को गोगा जी मंदिर के पीछे अंबेडकर धर्मशाला में लावारिस हालत में मिली एक 25 वर्षीय युवती को गोगा मेड़ी पुलिस थाना के मदद से आश्रम में शरण दी गई थी, जिसको आज उसके माता पिता व भाई के साथ अपने निवास स्थान उत्तर प्रदेश भेज दिया गया है। इस अवसर पर आश्रम संचालक सतपाल बरूर, धर्मपाल, बीर सिंह जाखड़ आदि उपस्थित रहे। सभी को नमस्कार। जय बाबा गुरु गोरखनाथ जी की, जय बाबा जागीर गोगा जी की। इंसानियत की सेवा, दुआओं का तीर्थ, मानव सेवा मंदिर, अपना घर अनाथ आश्रम गोगामेड़ी बागड़ धाम, आज अपने आश्रम में 31 जुलाई को दोपहर के समय लावारिस हालात में मिली एक मंद बुद्धि मानसिक रूप से विकृत 25 वर्षीय ये बेटी जो है सराय जिला एटा उत्तर प्रदेश से थी। सोशल मीडिया के माध्यम से और फोन से संपर्क के द्वारा इनके परिवार तक हम पहुंचे और लगभग 1.5 महीने बाद आज 8 सितंबर को इनका पूरा परिवार, मम्मी पापा, भाई, इनके रिश्तेदार आज इस बेटी को लेने के लिए अपना घर आश्रम पहुंचे हैं। तो आज हम इसको सह सम्मान उचित दस्तावेजों की लिखित कार्यवाही कर आज बेटी को इनके परिवार को परिजनों में, इधर इसकी मम्मी है अनिता जी, पीछे इनके पापा श्री जयंतपाल जी है, ये इनके रिश्तेदार में है उर्मिला जी, और पीछे जो भाई है इनका, इनको हम सुपुर्द कर रहे हैं। तो निकट भविष्य में किस प्रकार की दिक्कत परेशानी नहीं हो और बेटी की उचित देखभाल करें, हम इनके अच्छे भविष्य की, अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। तो आज अपने साथ ये अपने घर लेके जा रहे हैं। श्री गंगानगर राजस्थान पेंशनर समाज ने आज प्रमुख शासन सचिव वित्त अखिल अरोड़ा से मिलकर पेंशनरों के लिए RGHS के अंतर्गत OPD राशि 20,000 से 50,000 करने की मांग की है। राजस्थान पेंशनर समाज के प्रदेश महामंत्री एवं जिला अध्यक्ष किशन शर्मा ने आज प्रमुख शासन सचिव, वित्त शासन सचिव व संयुक्त शासन सचिव नियम निदेशक पेंशन से मिलने के बाद बताया कि पेंशनों को हर माह राशि बढ़वानी पड़ती है, जिससे इस आयु में पेंशनर्स को पहले डॉक्टर से अभिशंसा करवाना, दवा लिखवाना, फिर ई मित्र पर जाकर इन्हें अपलोड करवाना पड़ता है, जिससे पेंशनरों व फैमिली पेंशनरों को काफी परेशानी हो रही है। समाज सेवी व पर्यावरण प्रेमी शिक्षक बाबूलाल तूनगरिया ने सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त भारत अभियान के तहत पर्यावरण संरक्षण के लिए समाज सेवी एडवोकेट आशाराम सैनी के सानिध्य में घर पर बने हुए कपड़े के थैले आज चूरू सभापति पायल सैनी को भेंट किए। इस दौरान सभापति सैनी ने तूनगरिया के इस अभियान की सराहना करते हुए कहा कि जमीन में पॉलीथीन दबने की वजह से वर्षा जल का भूमि में संचरण नहीं हो पाता है, परिणाम स्वरूप भूजल स्तर गिरने लगता है, प्लास्टिक कचरा प्राकृतिक चक्र में नहीं जा पाता है, जिससे पूरा पर्यावरण चक्र अवरुद्ध हो जाता है। इसलिए हम सबको कपड़े के थैले अपनाकर पर्यावरण को अवरुद्ध होने से बचाना होगा। समाज सेवी एडवोकेट सैनी ने कहा कि पॉलीथीन स्वास्थ्य के लिए घातक है, बेहतर कल के लिए हमें सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग बंद करना चाहिए। बाबूलाल जी द्वारा, जो कि एक भामाशाह हैं, समाज सेवी हैं, जिन्होंने कोविड काल के दौरान भी मास्क जो है वो निशुल्क बनाए थे अपने हाथों से बनाकर इनकी धर्मपत्नी व इनके द्वारा, और निशुल्क जो बांटे गए थे, और समय समय पर इनके द्वारा जो है कभी पोस्टर वितरण व कभी कपड़े के जो थैले वितरण जैसे कार्यक्रम किए जाते हैं, आज उसी श्रृंखला के अंदर फिर से एक बार जो हमारे गोवंश में संकट आया हुआ है लंपी डिजीज के कारण, उनको ध्यान में रखते हुए इन्होंने गायों के लिए मच्छरदानियाँ बनाई है।
अपने हाथों से निर्माण करके ये निःशुल्क बांट रहे हैं, मैं बहुत ही ज़्यादा सराहनीय मानती हूँ और साथ ही मैं लोगों के लिए भी एक अच्छा प्रेरणादायक है, इनका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। साथ ही इनके द्वारा आज फिर से जो है वो कपड़े के थैले भी भेंट किए गए हैं। प्लास्टिक हटाओ जो अभियान है उसके अंदर काफ़ी अच्छा सहयोग रहा है। बाबूलाल जी को मेरी तरफ से बहुत बहुत आभार व धन्यवाद। बिना किसी परीक्षा के स्नातक पास चार युवकों को सरकारी नौकरी दिलाने का कहकर पश्चिम बंगाल के हावड़ा निवासी एक व्यक्ति ने 27 लाख रुपए हड़प लिए। जब युवकों ने अपने रुपए वापस मांगे तो उक्त व्यक्ति ने रुपए लौटाने से मना कर दिया। इस संबंध में राजलदेसर पुलिस थाना में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज हुआ है। पुलिस ने बताया कि रतनगढ़ तहसील के गांव भावन देसर निवासी 50 वर्षीय रामूराम जाट ने रिपोर्ट दी कि उसका लड़का मदनलाल स्नातक पास है। 5 माह पूर्व उसे पश्चिम बंगाल के हावड़ा निवासी एक व्यक्ति मिला तथा बिना किसी परीक्षा के सरकारी नौकरी दिलवाने का कहा, जिस पर रामूराम का पुत्र मदनलाल, गाँव का सुनील कुमार, गोविंद राम एवं ओम प्रकाश जाट ने 27 लाख रुपए उसे दे दिए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सरदारशहर में गुरुवार रात्रि को वार्ड संख्या 15 के एक युवक ने शराब के नशे में धुत होकर अपने घर में रखे सब्जी काटने वाले चाकू से अपने हाथ की नसे काट खुदकुशी करनी चाहिए। इस दौरान हल्ला गुल्ला सुनकर युवक का चचेरा भाई और उसका दोस्त बचाने की कोशिश करने लगे तो युवक ने उन पर भी चाकू से जानलेवा हमला कर दिया, जिससे वे दोनों घायल हो गए। घटना की जानकारी जब पुलिस को दी गई तो दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं युवक को हिरासत में लेकर पुलिस ने अस्पताल ले जाकर इलाज शुरू करवाया। नाबालिगा को उसके घर से भगाकर ले जाने तथा उसके साथ दुष्कर्म करने के प्रकरण में राजलदेसर पुलिस ने 33 वर्षीय आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार व्यक्ति को आज पोक्सो कोर्ट चूरू में पेश किया गया। मामले के अनुसार 12 अगस्त को नाबालिगा को बहला फुसलाकर भगाकर ले जाने का आरोप लगाते हुए परिजनों ने राजलदेसर पुलिस थाना में मुकदमा दर्ज करवाया था। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने नाबालिगा को दस्तयाब कर कार्रवाई शुरू की तथा आरोपी को गिरफ्तार किया। रतनगढ़ के नेशनल हाईवे 11 पर गांव पायली के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई, वहीं बाइक पर सवार एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया। घायल को रतनगढ़ के जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया। सूचना पर राजलदेसर पुलिस मौके पर पहुंची तथा घटना की जानकारी ली। प्राप्त जानकारी के अनुसार रतनगढ़ तहसील के गांव लाछरसर निवासी 30 वर्षीय जगदीश भाट एवं 40 वर्षीय सोहनलाल भाट एक ही बाइक पर सवार होकर गांव से रतनगढ़ की तरफ आ रहे थे कि नेशनल हाईवे 11 पर गांव पायली के पास अज्ञात वाहन ने बाइक के टक्कर मार दी, जिससे जगदीश की मौके पर ही मौत हो गई तथा सोहनलाल गंभीर रूप से घायल हो गया। ये थाने पे सूचना मिली कि पायली के पास में ओम बाबूसा मंदिर के आगे एक मोटरसाइकिल के अज्ञात वाहन टक्कर मार गया, जिस पर मैं और भगवान सिंह ऐसा ही मैं जाबते कि मौके पे पहुंचे तो मौके पे पहुंचने के बाद में एक जगदीश नाम का आधार कार्ड उसकी जेब में मिला, जिसकी मृत्यु हो चुकी है। एक को सरकारी अस्पताल रतनगढ़ में भर्ती कराया, जिसका नाम सोनराम भाट निवासी लाछरसर। दोनों बाइक पर लाछरसर से रतनगढ़ की तरफ आ रहे थे तो रास्ते में किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी, जिससे एक्सीडेंट हो गया। ये था आज का चूरू अपडेट। कल फिर हाजिर होंगे नई अपडेट के साथ। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।